हेलो फ्रेंड्स, यूनिक नॉलेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है। एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रिलिंग प्रोसेस। ये जो है वो मैन्युफैक्चरिंग की बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोसेस है माय फ्रेंड्स। एंड ड्रिलिंग प्रोसेस में बेसिकली क्या होता है, तो ये जो अभी प्रोसेस हो रही है दैट इज ड्रिलिंग प्रोसेस ऑन लेथ मशीन। ये लेथ मशीन पे होने वाली ड्रिलिंग प्रोसेस है। एंड यहाँ पे जो आपको दूसरी दिखाई दे रही है ये ड्रिलिंग मशीन पे होने वाली ड्रिलिंग प्रोसेस है। आइए चलते हैं इसके कंपोनेंट पे। सो फर्स्ट दिस इज द कंपोनेंट विच इज इंडिकेटेड बाय दिस येलो एरो, इट इज कॉल्ड एज टूल। ये जो है वो लेथ मशीन का ड्रिलिंग टूल है। एंड जो वर्कपीस है जो यहाँ पे अभी रोटेटिंग मूवमेंट कर रहा है ये वर्कपीस है, ठीक है। एंड अगर हम ड्रिलिंग मशीन की बात करें तो यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है स्टेडी, ठीक है, ये जो स्टेडी है नीचे का वो है वर्कपीस। एंड ये जो है रोटेटिंग और जो ऊपर नीचे रेसिप्रोकेट भी होता है दैट इज टूल। सो बेसिकली ड्रिलिंग प्रोसेस क्या है फ्रेंड्स, अगर देखा जाए तो ड्रिलिंग प्रोसेस में ये जो टूल है जिसको हम बोलते हैं ड्रिल बिट, ओके, ये जो टूल है उसको बोलते हैं ड्रिल बिट। एंड ये ड्रिल बिट जो है वो रोटेटिंग मूवमेंट करता है, ताकि इसके रोटेटिंग मूवमेंट से हम सेट में वर्कपीस में हॉल क्रिएट कर सके, ठीक है। सो वॉट इज ड्रिलिंग अल्टीमेटली, सो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि ऐसे छोटे छोटे हॉल यहाँ पे बन रहे हैं, तो ये ड्रिलिंग प्रोसेस है फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो फर्स्ट है दैट इज ड्रिलिंग इज अ कटिंग प्रोसेस, ये कटिंग प्रोसेस है दैट यूजेज अ ड्रिल बिट, ठीक है। तो इसके टूल का नाम है वो है ड्रिल बिट टू कट ए हॉल विथ सर्क्यूलर क्रॉस सेक्शन इन सॉलिड मटेरियल। कोई भी सॉलिड मटेरियल है, इट मे बी वुड, इट मे बी एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ मेटल्स, ओके, तो उसमें हमें अगर हॉल बनाना है तो दैट इज ड्रिलिंग प्रोसेस। सेकेंड, द ड्रिल इज यूजली ए रोटेटिंग कटिंग टूल, ऑफन वी कैन से मल्टी पॉइंट टूल। इसके जो पॉइंट होते हैं वो सिंगल पॉइंट नहीं होते हैं, दैट इज मल्टी पॉइंट। द बिट इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्क पीस एंड रोटेटेड एट द स्पीड ऑफ 100 to 1000s ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये जो टूल है वो बहुत स्पीडली, बहुत रैपिडली घूमता है और तब जाके कोई भी हॉल क्रिएट होता है। एज अ रिजल्ट द कटिंग एज इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वर्कपीस, इसकी जो कटिंग एज है वो वर्कपीस के साथ में दबाव में आती है, विच रिमूव्स द चिप्स फ्रॉम द हॉल ड्यूरिंग ड्रिलिंग। तो ये जो चिप्स निकलती है तो वो अब इसकी मल्टीपल एजेस से निकलती है, एंड जिसके थ्रू मटेरियल है वो वर्कपीस से रिमूव होता है एंड हॉल क्रिएट होता है फ्रेंड्स। सो ये थी ड्रिलिंग प्रोसेस। थैंक यू सो मच, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, हिट द बेल आइकॉन इफ यू वांट सच अ काइंड ऑफ अपडेटेड नॉलेज स्किल वीडियोस। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड विद यूनिक नॉलेज सिटी, टेक केयर।